हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास जो है वो हमारी रचना और रचनाकार से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम जितने 10 साल में जितने भी रचना और रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस एक सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्लास कम्प्लीट देख लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा रचना और रचनाकार से रिलेटेड जो आपको ना आए। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है। ये आपके 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन आपके पास जयशंकर प्रशांत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी की रचयिता है वो है आपके जयशंकर प्रशांत। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो कलम का सिपाही रचना है वो किसकी रचना है, अमृत राय की रचना है। यानी कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय जी है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, यानी बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचना है, नागार्जुन की, राजेंद्र यादव की, नामवर सिंह की या महादेवी वर्मा की। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो बाबा बटेश्वर नाथ रचना है वो नागार्जुन की रचना है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अमीर खुसरो की रचनाओं में किस बोली में अधिक रचित है, यानी जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं उसमें अधिकतम किस बोली की रचनाएं हैं, किस बोली को ज्यादा महत्व दिया गया है, अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को या कन्नौजी को। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किससे रिलेटेड, खड़ी बोली, और इन्हें खड़ी बोली को और अधिक बढ़ाने के लिए इसका श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। और इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में ही रचित की गई हैं, यानी रचनाएं जो रचित हैं वो खड़ी बोली में रचित है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जीने के लिए एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल या नागार्जुन। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो जीने के लिए उपन्यास है वो राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन ने जीने के लिए उपन्यास की रचना की है। फिर आपसे पूछ रहा है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, यानी व्याकरण दर्पण जो रचना है वो किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की, किशोरी दास वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या श्याम सुंदर दास की। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो व्याकरण दर्पण रचना है वो आपकी शिवपूजन सहाय की रचना है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचयिता कौन है, आचार्य केशव दास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ आप केशव समझ के ये मत सोच लीजिएगा कि ये आचार्य केशव दास की रचना है, जी नहीं, ये तुलसीदास की रचना है। यानी तुलसीदास ने इस पंक्ति की रचना की है, केशव कहीं ना जाए का कहिए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सूरदास जो प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है, सॉरी क्वेश्चन गलत है, इसमें ये पूछ रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, यानी जो ये चार उपन्यास हैं प्रेमचंद के उनमें से सूरदास किस उपन्यास का एक पात्र है, वरदान का, प्रतिज्ञा का, गोदान का या रंगभूमि का। यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जो सूरदास पात्र है वो आपके प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का एक पात्र है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है, प्रेमचंद को, निराला को, प्रसाद को या दिनकर को। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रेमचंद सही हो जाएगा कि जो कलम का सिपाही की जो उपाधि दी गई है वो प्रेमचंद को दी गई है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आकाशदीप किसकी रचना है, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या यशपाल की। तो आप जो करेक्ट आंसर है उसे कमेंट करके बताएं कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो आकाशदीप रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अंधायुग किस प्रकार की रचना है, यानी अंधायुग किस प्रकार की रचना, उपन्यास है, काव्य है, काव्य नाटक है या केवल नाटक है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो अंधायुग रचना है वो एक काव्य नाटक है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणार्क जो नाटक है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, जगजीत चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या मोहन राकेश।
यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो पौराणिक नाटक है उसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है, यानी अनामिका क्या है, एक काव्य संग्रह है, ये किसका काव्य संग्रह है, निराला के, पंत की, महादेवी वर्मा की या प्रसाद की। तो हमें पता है कि ये निराला अनामिका जो रचना है वो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल, गीतिका, अनामिका, ये सब आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो यहाँ आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप का, इंदु की, कविवचन सुदन की या भारत बंधु की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतेंदु ने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि गलत युग्म चुने, यानी इन चारों में से तीन आपके सही मैच है, एक सही मैच नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बिल्कुल सही बात है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, ये भी सही है। गोदान प्रेमचंद की रचना, ये भी सही है। लेकिन रंगभूमि महादेवी वर्मा की रचना, ये एक सही नहीं है, ये गलत है, यानी इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि पानी गय न उबरे के लेखक कौन है, कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास या सूरदास। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कि पानी गए ना उबरे इसके लेखक जो है वो है रहीम दास, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि वैदेही वनवास जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो वैदेही वनवास पुस्तक है उसके रचयिता है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं, यानी जो आपका बाल कांड हो गया, लंका दहन कांड, तो ये सब टोटल मिला के कुल कितने कांड हैं, आठ कांड है, नौ, सात या बारह। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं, सात कांड है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है, 1919 से, 1850 से, 1951 से या 1752 से। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसका जो स्टार्टिंग माना जाता है वो 1850 से माना जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक जो है उसके के रचयिता कौन है, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने, गोवर्धन राम एन त्रिपाठी ने, भारतेंदु हरिश्चंद ने या फकीर मोहन सेनापति ने। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक है उसके रचयिता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद। फिर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा, रीतिकाल में, भक्तिकाल में, आदिकाल में या आधुनिक काल में। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हिंदी का स्वर्ण युग रहा वो भक्तिकाल के काल को कहा जाता है, यानी भक्तिकाल का जो काल था उसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि साकेत के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो साकेत के रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। फिर आपसे पूछ रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है, अशोक वाजपेयी का, फणीश्वरनाथ रेणु का, गोपाल प्रसाद नीरज का या हीरानंद वात्स्यायन का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से की है, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि राहुल सांस प्रत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, सिद्धकाल, सामंतकाल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंतकाल। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया है वो है सिद्ध सामंत काल, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगार, धार्मिकता, वीरगाथा या भक्ति। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर,
कि जो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति है वो है वीर गाथा। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की या आधुनिक काल की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो ज्ञान मार्गी काव्य है वो भक्ति काल की प्रवृत्ति है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया, यानी भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल या आदिकाल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्य काल नाम दिया है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। इस क्वेश्चन पूछा है कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया, मतवाला, स्वतंत्र, अभ्युदय या हंस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है, देव ने, केशवदास ने, सेनापति ने या भूषण ने। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो रामचंद्रिका रचना है उसकी रचना की है केशवदास जी ने। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कीर्ति पताका की रचना किसने की है, विद्यापति ने, चैतन्य ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो कीर्ति पताका रचना है उसकी रचना की है विद्यापति ने। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की, जायसी की, मुल्ला दाऊद की या घनानंद की। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो मृगावती रचना है वो कुतुबन की रचना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि पद्मावत की भाषा क्या है, कमेंट करके बताइए कि पद्मावत रचना किसकी है। ऑप्शन आपके पास फारसी, संस्कृत, अवधी या ब्रज भाषा। तो राइट ऑप्शन बताइए कि यहाँ जो पद्मावत की भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, अवधी हो जाएगी। जो पद्मावत लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मधुमालती। तो अगर आपको याद है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं याद है, तभी आप ये क्वेश्चन को बता पाएंगे। फिर भी कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे, क्योंकि पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अखरावट भी जायसी की रचना है, आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है, लेकिन मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कौन रीत सिद्ध कवि है, बिहारी, देव, केशव या भूषण। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो बिहारी थे वो रीति सिद्ध कवि थे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि पद्मावत में किस मुगल शासक का, यानी पद्मावत में जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या महमूद बेगड़ा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो पद्मावत रचना है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की, अलाउद्दीन खिलजी के, अकबर के, शेरशाह के या जहांगीर के। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह के शासनकाल में की थी। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है कि संदेश रासक किसकी कृति है, अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की या सूरदास की। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो संदेश रासक कृति है वो अब्दुल रहमान की कृति है, यानी अब्दुल रहमान की रचना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या प्रेमवर्तिका। तो रामचरितमानस तो तुलसीदास की रचना है ही, कवितावली, गीतावली ये भी रचना है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो प्रेम वर्तिका है वो क्या है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद की नहीं है,
अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी या अंधायु। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें से डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और भारत जननी ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की रचना है, लेकिन अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि कामायनी किसकी काव्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा की या महादेवी वर्मा की। तो यहाँ आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कामायनी रचना है, काव्यकृति है, वो जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति है। इसलिए यहाँ आपका बी ऑप्शन ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कविता निराला की कृति नहीं है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या अंधेरे में। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहार पे सही हो जाएगा। निराला की जो कृति है वो राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, तुलसीदास है, लेकिन अंधेरे में ये निराला की कविता संग्रह नहीं है, कविता कृति नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के बिहार पे डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कामायनी, आंसू, प्रेमपथि, जूही की कली। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहार पे। क्यों? क्योंकि कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन जूही की कली ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा या रश्मि रथी। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहार पे सही हो जाएगा, क्योंकि जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, भारत भारती भी है, यशोधरा भी है, लेकिन रश्मि रथी नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या महादेवी वर्मा की। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो झांसी की रानी नामक लंबी कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन छायावादी कवि नहीं है, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मुक्तिबोध जो है वो छायावादी कवि नहीं है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये तीनों छायावादी कवि हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या हालावादी। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो केदारनाथ अग्रवाल है वो प्रगतिवादी कवि है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाल पान की बेगम कहानी जो है ये किसकी रचना है, अमरकांत की, फणीश्वरनाथ रेणु की, शैलेश मटियानी की या यशपाल की। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो लाल पान की बेगम कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है, अमरकांत की, प्रेमचंद की, यशपाल की या जैनेन्द्र की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंच परमेश्वर जो कहानी है वो प्रेमचंद की रचना है, यानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कौन सी? पंच परमेश्वर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है, मैला आंचल, राग दरबारी, अपनी अपनी वैतरणी या गुनाहों का देवता। यहाँ आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती की रचना है, मैला आचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि औपन्यासिक कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है, झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या या तमस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमस जो है वो यशपाल की रचना नहीं है। झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या ये सभी यशपाल की रचना है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के बिहार पे। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है, परख, सुनीत, कल्याणी या चित्रलेखा। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा,
कि क्योंकि परख, सुनीत और कल्याणी ये सभी तीनों जैनेन्द्र की रचना है, लेकिन चित्रलेखा जो रचना है, उपन्यास है, वो जैनेन्द्र की रचना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र या हल्दी घाटी, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हल्दी घाटी दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त या कफन, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कफन जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसके अलावा कंकाल, चंद्रगुप्त, तितली ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाण भट्ट की, नामवर सिंह की या मुद्रा राक्षस की, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाण भट्ट की जो आत्मकथा रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति या हत्यारे, तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नमक का दरोगा, ईदगाह, सदगति ये प्रेमचंद की रचना है, लेकिन हत्यारे प्रेमचंद की रचना नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की नहीं है, प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र या अंतिम अरण, तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, वरदान प्रेमचंद की रचना है, लेकिन अंतिम अरण्य प्रेमचंद की रचना नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है, नहीं है ये नहीं पूछ रहा, कौन सी है, मृगनयनी, झूठा पत्र, खंजन नयन या त्याग पत्र, तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा है इसका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त्याग पत्र जो रचना है वो जैनेन्द्र की रचना है, इसके अलावा बाकी की जो रचनाएं हैं ये जैनेन्द्र की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन या पहला राजा, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो पहला राजा नाट्य कृति है वो मोहन राकेश का नहीं है, इसके अलावा आधे अधूरे, अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस ये सभी मोहन राकेश की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या दिनकर, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और मुक्तिबोध ये सभी ये तीनों प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो प्रगतिवादी कवि नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि चिंतामणि किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, रामविलास शर्मा की या रामचंद्र शुक्ल की, तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर पूछा है कि चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है, निर्मल वर्मा का, राहुल सांस्कृत्यायन का, प्रभाकर माचवे का या मोहन राकेश का, तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा वृत्तांत है वो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि लोकायतन किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, रामविलास शर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकायतन जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवसेना किस नाट्य कृति की स्त्री पात्र है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, देवसेना किसकी नाट्य कृति की स्त्री पात्र है, स्कंदगुप्त नाट्य कृति की स्त्री पात्र है, तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना से है, दिनकर की, प्रसाद की, निराला की या सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो पंक्ति है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये आपकी प्रसाद के प्रसिद्ध यानी प्रसाद की रचना की पंक्ति है, तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैनीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा कुमारी चौहान की, मीराबाई की या कबीरदास की। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मैनीर भरी दुख की बदली ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, मोहन राकेश की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या महात्मा गांधी की। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रचित आवारा मसीहा जीवनी है वो शरद चंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि तुलसीदास की रचना नहीं है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य लहरी। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं, साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है। फिर आपसे पूछा है कि जायसी की रचना कौन सी है, चित्रावली, दोहावली, मृगावली या पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो है पद्मावत। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यापति की रचना नहीं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या पदावली। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो विद्यापति की नहीं है। इसके अलावा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली ये तीनों ही विद्यापति की रचनाएं हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की, जज्ज्वल की, चंदबरदाई की या नरपति नाल की। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। परमाल रासो जो रचना है वो जगनिक की रचना है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कुतुबुन की रचना कौन सी है, मृगावती, चित्रावली, पद्मावत या सूरसागर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मृगावती। मृगावती जो है वो कुतुबुन की रचना है, जबकि पद्मावत, चित्रावली, सूरसागर ये सब आपकी कुतुबुन की रचना नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की, जैनेन्द्र की, भीष्म साहनी की या कमलेश्वर की। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनीता, त्यागपत्र ये किसकी रचनाएं हैं, जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि खंजन नयन किसका उपन्यास है, अमृतलाल नागर का, रांगेय राघव का, अज्ञेय क्या या भीष्म साहनी का। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो खंजन नयन उपन्यास है वो आपका अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, अज्ञेय क्या या मुक्तिबोध का। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगवाणी जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है वो सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। सुमित्रा नंदन पंत ने इसकी रचना की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कुकुरमुत्ता जो रचना है वो किस कवि की कविता है, ये कविता है कुकुरमुत्ता, उसमें आपके कवि का नाम पूछ रहा है, निराला, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन। तो ये जो आपकी रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, अनामिका ये सभी निराला की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणांक और पहला राजा किसकी सुप्रसिद्ध कृति है, अमृतलाल नागर की, जगदीश चंद्र माथुर की, मोहन राकेश की या हबीब तनवीर की। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणांक और पहला राजा ये जो कृति है ये जगदीश चंद्र माथुर की कृति है, इसलिए बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके पास भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, रीतिकाल भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन आदिकाल की रचना नहीं है, परमाल रासो, कीर्तिलता, हमीरदेव या रासो पद्मावत। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रासो पद्मावत आपकी आदिकाल की रचना नहीं है। इसके अलावा परमाल रासो, कीर्तिलता और हमीरदेव ये सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष से छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है, यानी छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो किस वर्ष से माना जाता है, 1918 से, 1936 से, 1942 से या 1928 से। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि छायावाद का जो प्रारंभ युग माना जाता है वो 1918 से माना जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है,
केशवदास, चिंतामणि, रसलीन या बिहारी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो बिहारी है वो रीतिबद्ध कवि नहीं है। इनके अलावा केशवदास, चिंतामणि, रसलीन ये तीनों ही रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कंकाल, तितली, चंद्रकांता या चंद्रगुप्त। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो चंद्रकांता है उस जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके अलावा कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है, पंचलैट, पंच परमेश्वर, लाल पान की बेगम या रसप्रिया। तो यहाँ आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पंच परमेश्वर कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी नहीं है। इनके अलावा ये तीनों पंचलैट, लाल पान की बेगम और रसप्रिया ये फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है, दिव्या, झूठा सट, राग दरबारी या दादा कामरेड। राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राग दरबारी उपन्यास है वो यशपाल द्वारा रचित नहीं है। दिव्या, झूठा सच, दादा कामरेड ये तीनों ही यशपाल की रचनाएं हैं, लेकिन राग दरबारी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन दिनकर की रचना नहीं है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी या मृगनयनी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृगनयनी जो रचना है वो दिनकर की नहीं है। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है, यशपाल की, राहुल सांस्कृत्यायन की, मोहन राकेश की या अज्ञेय की। यहाँ आपको जो बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा जो रचनाकार की आत्मकथा है वो है राहुल सांस्कृत्यायन की, यानी राहुल सांस्कृत्यायन की ऊपर लिखी गई क्या है, आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 88 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और सभी बार बार पूछे भी गए हैं। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं और ये रचना याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ऐसा कोई भी रचना और रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।